ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव शिव भक्ति ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करते हुए आज बात करते हैं प्रदीप मिश्रा जी के मुखारविंद से सरल व अचूक उपाय। सोमवार के दिन जो अमावस्या पड़े वो सोमती अमावस्या कहलाती है। क्या करना पड़ता है उस दिन? पीपल की पेड़ की परिक्रमा करो, या तुलसी की परिक्रमा करो, या पूजन करो, पाठ करो, कुछ भी करो, पर सोमती के दिन दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, भजन करो। तो सोमती अमावस्या का विधान इतना शास्त्र क्यों कहता है कि सारी अमावस्याओं में प्रबल सोमती अमावस्या, शनिचरी अमावस्या से भी बड़ी अमावस्या सोमती कहलाती है। हमारा जितने भी ग्रह, सारे ग्रह चंद्रदेव के साथ मिलकर भगवान शंकर की आराधना में डूबते हैं, और भगवान शंकर की आराधना में डूबते हैं तो उस दिन जो किया हुआ दान पुण्य सत्कर्म है वो हमारे, आप लोगों को मालूम होगा, पितरों की तीन गतियां, पितर, आहुत, वासुक, कितने? तीन। गर्भ में जो चले गया आहुत है, कुमारी अवस्था में गया जिसकी शादी नहीं हुई, पितर। अधोगति में अचानक बहुत सारी तमन्ना थी, बहुत कुछ करना चाहता था और अचानक चले गया, मर गया, पितर गिनती में। जो एक्सीडेंट आदि, खांसी, सुसाइड, बस तीन। शास्त्र कहता है सोमती अमावस्या के दिन ये तीनों आहुत, पितर, वासुक, जहाँ पर घर की कुल की माता पीपल की परिक्रमा करती है, या तुलसी की परिक्रमा करती है, या पूजन करती है, या दान करती है सोमती अमावस्या के दिन, तो ये तीनों को उसका भाग प्राप्त हो जाता है, तीनों तर जाते हैं। फिर उनको पिंड की जरूरत नहीं पड़ती महाराज, उनको तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए सोमती अमावस्या का क्रम हमारे हिंदू धर्म में ज्यादा बढ़ जाता है। सोमती अमावस्या हमारे जीवन को फलित करने वाली, सुख देने वाली, आनंद देने वाली, हम उसका लाभ अवश्य लें। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, या कोई विद्या के लिए किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं, गवर्नमेंट के एग्जाम में बैठ रहे हैं और बच्चे उस एग्जाम में पास नहीं हो पा रहे हैं या निकल नहीं पा रहे हैं, या कोई टीचिंग के लिए, बैंकिंग के लिए आप अप्लाई कर रहे नहीं हो रहा है, निवेदन है, दो स्वस्तिक आपको बनाना है। कितने स्वस्तिक बनाना है? दो स्वस्तिक। एक स्वस्तिक कुंकू का पीपल के पेड़ पर बनाना है आपको। पीपल के पेड़ पर बनाने के बाद में जमीन पर, भूमि पर एक घी का दिया लगाना है। दूसरा स्वस्तिक शंकर के मंदिर की चौखट पर आपको बनाना है, किसी भी एक साइड में, चाहे राइट में बनाने, चाहे लेफ्ट में बनाने। शंकर के मंदिर पर जो स्वस्तिक बनाओगे वो पहले पीपल के वृक्ष के बनाना है। पीपल के वृक्ष के बनाने के बाद में शंकर के मंदिर में शाम के समय आप जाकर स्वस्तिक बना सकते हैं, दोपहर से लेकर शाम तक कभी भी स्वस्तिक बनाए और एक घी का दिया। बस इतना याद रखना, पीपल के पेड़ के नीचे जो स्वस्तिक बनाओगे वहां जो घी का दिया लगेगा उसमें गोल बत्ती लगेगी, फूल बत्ती लगेगी। शिव मंदिर की चौखट पर जो दिया लगाओगे उसमें दो बत्ती लगेगी, लंबी वाली, लंबी बत्ती दो लगेगी घी की, वो बत्ती आपको शंकर के मंदिर पे दिया कहाँ रखना है, जहां स्वस्तिक बनाओगे उसी के ऊपर दो बत्ती का दिया लगाओगे। उस समय पर दिए का जो बत्ती है उसका मुख अपनी ओर होना चाहिए, और भगवान शंकर की चौखट पर प्रणाम कर निवेदन कर नमन कर आप आइए, आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। आप जिस चीज की कोचिंग कर रहे हो, जिस चीज में उतरना चाहते हो, आपको वह फल प्राप्त हो। निवेदन, जिस व्यक्ति को रोग बहुत हो, चाहे शुगर हो, बीपी हो, या घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, या बहुत कष्ट का जीवन निकल रहा हो, यहाँ तक कैंसर जैसी भी बीमारी यदि आपको है, तो ये सोम पुष्प को छोड़ना मत, सोम के अमावस्या को मत छोड़ना। निवेदन है, आप एक पात्र जल जिसमें पीला चंदन, पात्र के जल में एक कलश में जल लीजिएगा, उसमें पीला चंदन घोल लीजिए। पीला चंदन घोल कर उसमें थोड़ी सी काली मिर्ची पीस कर भी डाल लीजिए, काली मिर्ची को पीस कर डाल दीजिए, और उसमें सात बेलपत्र उसके अंदर डाल दीजिए। सात बेलपत्र के साथ में सात वृक्ष के पत्ते, कोई भी वृक्ष जो आपके पास में हो, सात वृक्ष के पत्ते उस कलश में डाल दीजिए। घर से निकलते समय पूरे घर का भ्रमण करते हुए जिस व्यक्ति को रोग बहुत है उस व्यक्ति का स्पर्श कराते हुए वो जल शंकर भगवान के ऊपर समर्पित कर थोड़ा सा जल बचाकर, पत्तियां सब शिव जी को चढ़ाकर थोड़ा सा जल बचाकर
शंकर की देहरी पर चढ़ा दी चौखट पर, भगवान शंकर के शिवलिंग की चौखट पर समर्पित कर, शिवलिंग की चौखट पर समर्पित करता है। उसी जल जो आपने देहरी पर चढ़ाया है उसी जल का भाग थोड़ा सा कटोरी में एक चम्मच के बराबर लेकर आइए। जो व्यक्ति बीमार है उसके शरीर पर उसको छींटा दीजिए, तीन बार छींटा देना है, सुबह दोपहर और शाम। उसके बाद में बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करिए, शाम के समय घर के बाहर एक घी का दिया अवश्य लगाइए। मुझे पूर्ण उम्मीद है सोमती अमावस्या रोग मुक्त करेगी, अधिक फल आपको प्रदान करेगी, सुख का अनुभव कराएगी, आपके जीवन का कल्याण करेगी। और निवेदन, खाली ना जाता कोई, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बार पसा, मैं भी खड़ा हूँ बार पसा। अपने हम आशा करते हैं कि भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें, इस उपाय को करना ना भूलें। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ओम नमः शिवाय दोस्तों।